चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है और चीन से शुरू हुए इस वायरस से पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है। और चिंता की बात यह है, अभी तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिल पाया है, जिससे चीन समेत पूरे दुनिया के वैज्ञानिक बेबस है। तमाम देश अपने स्तर पर इस वैश्विक आफत से लड़ रहे हैं और ऐसे में भारत इस वायरस का काट निकालने के लिए दिन रात एक कर रहा है। और इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखकर किसी भी तरह का मदद का ऑफर दिया था और भारत की ओर से ऐसी प्रतिज्ञा देखकर चीन भी गदगद हो गया है, क्योंकि चीन के मित्र देशों ने भी ऐसी मदद का ऑफर नहीं दिया है। और पीएम मोदी की चिट्ठी पर चीन का जवाब आ गया है और पीएम मोदी की चिट्ठी पर अब चीनी विदेश मंत्रालय का जवाब आया है और इस ऑफर को भारत और चीन की गहरी दोस्ती का प्रतीक बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, भारत की ओर से कोरोना वायरस को लेकर जो समर्थन की बात कही गई है, उसके लिए हम भारत को दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत के द्वारा ऐसा कहना चीन के साथ उसकी गहरी दोस्ती को दर्शाता है। हम भारत और दुनिया के सभी देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि इस वायरस के साथ जंग लड़ी जा सके। और आपको यहाँ बता दे, बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक चिट्ठी लिखी थी और जिसमें भारत की ओर से किसी भी तरह की सहायता की पेशकश की गई थी। और साथ ही अपने खत में पीएम नरेंद्र मोदी ने उबेई प्रांत से भारतीय नागरिकों को निकालने में चीनी सरकार के द्वारा की गई मदद की सराहना भी की थी। और पिछले दो महीनों में कोरोना वायरस का असर दुनिया भर में हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से चीन का अधिकतर देशों के साथ संपर्क कम हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।